हाय, यू वाचिंग इंडिया न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ सुनाली। वेल, आज ना अच्छा, वैसे आपने यूजुअली सुना होगा ना, कई लोग बोलते हैं कि अरे यार तुम्हें पता नहीं है मेरा भाई कौन है, भाई का तो नाम चलता है ब्ला 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 ब्ला। वैसे लेट मी टेल यू वन थिंग, इंडस्ट्री में सिर्फ दो जो भाई है सिर्फ उन्हीं का नाम चलता है, वो आई पर्सनली फील, क्योंकि वो राज कर रहे हैं यार इंडस्ट्री में। आई एम टॉकिंग अबाउट मीत ब्रदर्स, सुमीत मनमीत, राइट? थैंक यू सो मच सोनाली, और बहुत ही स्वीट इंट्रोडक्शन दिया आपने। सो वी वर टॉकिंग अबाउट वुमेन। हाँ, सो आई वाज सेइंग कि आई हैव लर्न्ड सो मच फ्रॉम द वुमेन ऑफ माय हाउस एंड इट्स माय, ये मेरी पर्सनल पर्सपेक्टिव है, मैं कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सपेक्टिव है जब मैं उनको देखता हूँ। और मैं अपने को या अपने आसपास जो मेरे जितने भी मैंने मेल फ्रेंड्स को या किसी को भी देखा है, मैंने रियलाइज किया उनकी क्वालिटीज़ बहुत, आप लोगों की क्वालिटीज़ बहुत एक्सेप्शनल है एंड हमको सीखना भी चाहिए। और आई थिंक इट्स द ड्यू शुड बी गिवन, जो कभी इतने सालों साल में मिला नहीं है वो मिलना चाहिए। दैट्स एक्चुअली वेरी हम्बल ऑफ यू, क्योंकि मानते सब है बट बोलता कोई नहीं है, मतलब इट्स रियली स्वीट एंड हम्बल कि आप ऑन कैमरा बोल रहे हो। आई हैव सीन पीपल जो नहीं मानते ये चीज़ें। मेरे गाने का नाम क्या है? मेरी वारी है, कन्फेशन मेरी वारी है। कन्फेशन, तो कन्फेशन तो करना पड़ेगा ना। स्वीट, ओह हाँ, मैं भूल गई, कंग्रेचुलेशन, आपका गाना आया है, मेरी बारी, हम उसके बारे में बात करेंगे, मैंने देखा। बट आई एम रियली मिसिंग योर ब्रदर, आप उनको बोलो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम आए, चंडीगढ़ आए, हम साथ बैठ के इंटरव्यू सिंग। हम गाने मोस्टली वो बनाते हैं जैसे जो हर इंसान को अपील करें, ईजी हों और सिंपल हों। बिल्कुल, आप गाने बनाते हैं, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप ऐसे ही आ गए बिकॉज आपको लगा कि म्यूज़िक है तो करना है, वो नीम के पत्ते का असर है या इतने पैशनेट थे और मैनिफेस्ट किया और तब यहाँ तक पहुँचे? वैसे वो नीम का पत्ता किसी और को खिलाया? असी ग्वालियर तो बिलोंग करते हैं, उत्थे वो तानसेन दी नगरी है, तानसेन दे पेड़ का पत्ता खा के आए हैं असी म्यूजिक बनाने। बट दिस इज आई थिंक इट्स गॉड हैज सेंड एवरीबडी, सारे नु कोई पर्पस दे के भेजा है रब ने, सारे नु एक स्पेशल स्किल दिता है। यू नो कमाल की गल की है कि जिन्हें भी इस दुनिया च लोग ने, सारे रब ने एक डिफरेंट स्किल ते टैलेंट दिता है। अनफॉर्चुनेटली जेडे पेरेंट्स कदे कदे मोस्टली वो की करते हैं कि जिदा फैमिली बिजनेस चल रही है तो वो शुरू तो ही बच्चे का माइंड वो चलाना शुरू कर देते हैं, वो है परवाह नहीं करते टू फाइंड आउट कि रब ने की करन भेजा इनू, जिदा वेयर फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली एंड आप फादर वॉन्टेड अस टू डू लिकर बिजनेस, बड़ा मदर साइड नहीं आता, आर्टिस्ट है, सो मॉम रिकग्नाइज्ड कि ये किसी अलग पर्पज़ के लिए आए हैं। फादर वॉन्टेड अस टू डू बिजनेस एंड देन मॉम केप पुशिंग फॉर इट। जब फिर मैन हम फिर बॉम्बे गए, हम बॉम्बे जाके हमने ये सब काम किया, और अगर हम फिर हमने अपनी भी सुनी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स के लिए कि वो ना बच्चे का माइंड इतना कलर ना करें, अपनी इच्छाएँ उन पर ना थोपें कि हो सकता है आपके अंदर ये स्किल हो कि आप जब माइक लेते हो हाथ में तो आप किसी किसी के थ्रू वो बातें निकाल सकते हो जो कोई ना निकाल सके, ये एक स्किल हो सकता, स्किल है, राइट? बट वो बोले नहीं साहब एंकरिंग मत करो, इससे ज़्यादा पैसा, ये ब्रोकिंग एजेंसी है, इसमें ज़्यादा पैसा आएगा। बात वो है ही नहीं, आप किस लिए आए हो यहाँ पे? तो जिस भगवान जो स्किल देता है ना इंसान को, आप उसी स्किल से पैसा कमाते हो, और वो सिर्फ आपके और भगवान के बीच की बात है, उसके बीच में माँ बाप भी नहीं आ सकते। अच्छा, ऐसा भी कुछ था क्या जब आपके स्ट्रगल के डेज थे तो आपको फैंसी स्ट्रगलर्स बोला जाता था? दोनों भाइयों को बोला जाता था, अच्छी फैमिली से थे, कभी कभी ऐसा होता था कि हम अपनी जिस गाड़ी से जा रहे हैं वो प्रोड्यूसर जिसको मिलने जा रहे हैं उसकी गाड़ी हमसे भी थोड़ी छोटी थी, तो हम गाड़ी दूर पार्क करके हाथ में लेके थोड़ा सा स्वेटी होके जाते थे उनके पास, सर काम दो काम दो, ये कहते थे तो यार ऐसे मर्सिडीज में घूम रहे हैं इनको कौन काम देगा। सो बट स्ट्रगल वाज देयर ऑब्वियसली, एकदम उठ के आना, नो गॉडफादर इन द इंडस्ट्री, तो हाउ यू सी दैट स्ट्रगल, वो उसको एंजॉय किया या निकल गया? देखो यार, पर्सपेक्टिव होता है लाइफ में कि आप किस नज़रिए से इस चीज़ को देख रहे हो। अगर एक कमरे में आप एक चीज़ रखोगे, उसको आठ लोग आठ अलग तरीके से देखते हैं, ठीक है? तो हमारा पर्सपेक्टिव शुरू से ये था कि अपने को फ्लो में जाना है, और मस्ती चलती रही, हम अपनी इन्जॉयमेंट साथ में करते रहे, काम है कि नहीं है, और आगे बढ़ते रहे, कोशिश करते रहे। तो कभी ज़िंदगी में जो जर्नी है, या तो आप मान लो कि एक स्कूल है और एंड तक सीखना है, तो स्ट्रगल नहीं लगेगी, तो लर्निंग लगेगी। तो हमको ये लर्निंग्स लगती हैं, स्ट्रगल कभी लगा ही नहीं ना लगेगा कभी, क्योंकि स्ट्रगल कुछ नहीं होता। अगर आज मेरा टाइम सही नहीं है तो मैं बिल्कुल अपने आप में रहूँगा, सोचूंगा अब क्या करूँ, अब कैसे करूँ, फिर मैं वो चीज़ें याद करूँगा जो मैंने अभी तक नहीं करी, तो नई चीज़ें आएंगी मेरे अंदर, नए फैदर्स आएंगे। तो जब समय डाउन आता है वो इसलिए आता है कि अब आप और सीखो,
अब आप अपने को और तैयार करो, आगे और बड़ी इनिंग्स है, हम उसको स्ट्रगल बोलने लगते हैं। तो हमने दोनों भाइयों ने कभी स्ट्रगल ना देखा है ना कभी देखेंगे इसको। दैट्स सो स्वीट। आई थिंक आई कैन से ना कि आप लोगों की लाइफ के प्रति बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है, वो इसी हमेशा से ऐसा था या क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें मिलता सब कुछ है एंड हम एक बड़ा कंफर्ट जोन में जीते हैं। आई वोंट से सब कुछ ईजिली मिला होगा इंडस्ट्री में, क्योंकि अभी मीत ब्रदर्स यू गाइज अ ब्रांड है ना, मतलब सब लोग इतना प्यार करते हो और इंशाल्लाह उस जगह पे जो आपने स्टैंड बनाया वो बहुत डिफिकल्ट है। पहुंचना फिर भी कहीं ईजी होता है बट बनाना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये अप्रोच डे वन से था बिकॉज ऑलरेडी लेविश लाइफ स्टाइल था पेरेंट्स की वजह से, वो तो बाद में इंडस्ट्री में आया या अब ये लाइफ आपका पॉइंट ऑफ व्यू बना? बचपन से स्कूलिंग हुई है हमारे पापा मम्मी शुरू से एक ही चीज़ रोज। अब देखो कमाल की बात है, क्यों बोलते थे वो रोज़ हमको कि बेटा नहीं ज़मीन में रहना है, बड़ी बात नहीं करनी, अपनी बात नहीं करनी। अब हम जब देखते हैं कि उन्होंने ये बातें रोज़ क्यों बोली हमको, उनको तो नहीं पता था हम इस लाइमलाइट में आने वाले हैं। तो ये ईश्वर करवा रहा था उनसे कि हमको इतना उन्होंने बोला। पापा एग्जाम्पल देते थे, बेटा देखो मैं नहीं करनी, तुमको लगेगा कि मैंने बेबी डॉल बना दिया, मैंने चिट्टियाँ गला ये बना दिया। बेटा ये समय होता है, किसी और की किस्मत हो सकती है, हो सकता है कनिका कपूर की किस्मत से बन गया हो सकता है सनी लियोनी की किस्मत से बन गया हो, तुम बोलो साहब मैंने किया। लाइफ में मैं नहीं करनी, क्रेडिट नहीं लेना, क्रेडिट ऊपर वाले को देना है। और सबसे बड़ी बात, पापा कहते थे कि बकरा होता है ना उसकी बोली क्या है, मैं और कटता रहता है। तो कहते हैं कि मैं करते रहोगे तो ईश्वर की खुराक है अहंकार, तो आपको खा जाएगा। तो क्या मेरे को क्या लगता है, ये हम सबको भी ऐसा करना चाहिए कि आप ज़िंदगी में कोई भी हो सकते हो, आप एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो सकते हो, आप बहुत सक्सेसफुल प्रॉपर्टी एजेंट हो सकते हो, या आप एक कोई आर्टिस्ट हो सकते हो या क्रिकेटर हो सकते हो। वो आपका काम है जिसने आपको लाइमलाइट में लाया है, वो आप नहीं हो। आप और आपका काम ये दो अलग एंटिटीज़ हैं। जब हम काम करते हैं तो हम एक हमारी हम अपनी पैशन से करते हैं, और जब वो काम ख़त्म हो जाता है तो हम एक नॉर्मल इंसान हैं। हम वही नॉर्मल खाना खा रहे हैं जो दूसरा खा रहा है, हम वही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं दूसरा कर रहे हैं। आपको लगने लगे कि साहब मैं ही हूँ और मैंने किया है, ये थॉट प्रोसेस आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि आप लर्न करना बंद कर दोगे, सुनना बंद कर दोगे सबकी। आपको हर आदमी को आप ऐसे देखने लगोगे, आपको ऐसे देखना है कि क्या क्या सीखना है, किससे सीखना है, कहाँ देखना है और क्या चाहिए। तो वो लर्निंग ख़त्म हो जाती है जैसी मैं आती है। तो एक गाना, दो गाना, 100 गाने भी हिट हों या 10 जगह आपके स्टॉक मार्केट में 10 तुक्के सही लगे हों या बैटिंग में 10 जगह जीते हो, ये समय है। और ये आपको अपने कुछ पुराने कर्मों का हिसाब किताब मिल रहा है, ये ना लगने लगे आपको कि आप कर रहे हो। क्योंकि जैसे ही मैं शुरू होगी ना, ग्रोथ नहीं हो सकती। जितने हमारे बॉलीवुड के स्टार्स हैं, आप बच्चन साहब को मिलो, आप सलमान खान के साथ हमने काम किया, हमने सबके साथ काम किया, थोड़ी देर बाद आप भूल जाते हो कि किसके साथ बैठे हो, उनका ऑरा ही खत्म हो जाता है। जैसे मैं भूल गई। That's so sweet of you. नहीं genuinely, मैं आई रियली मीन इट, नॉट फॉर द कैमरा, बट देर आर वेरी लेस पीपल जो ऐसी अप्रोच रखते हैं टूवर्ड्स लाइफ। आप जो ये बात बोल रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मीची मुझे क्या लगता है कि इस जिस पोजिशन पे आप हैं ना, वहाँ पे मैं आ जाती है, लोगों से संभलता नहीं है। एंड आपको ये रियलाइजेशन है आप कहाँ पर हो और फिर भी वो मैं नहीं, आई थिंक आपने तो दुनिया जीत ली। नहीं, किसी ने मेरे से पूछा, किसी ने मेरे को बोला, जैसे आप जैसे मिले मुझे, किसी ने बोला कि इंटरव्यू ले रहे थे, बोला कि आप इतने सक्सेसफुल हैं, आपको तो, मैंने कहा एक सेकेंड, मैंने कहा ये आपने कैसे जज कर लिया कि मैं सक्सेसफुल हूँ? बोले सर क्या बात कर रहे हैं आप, इतने गाने हिट हैं, आपको दुनिया जानती है आपका नाम। मैंने कहा ये तो एक डायमेंशन है ज़िंदगी की कि चलो करियर में अच्छा सक्सेसफुल हूँ। तो आप ये कह सकते हो कि आप एक सक्सेसफुल म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ ये मेरा करियर डिसाइड नहीं करेगा। क्या पता कि मेरे पास अरबों रुपये हों, मेरे को नींद ही नहीं आ रही है, क्या पता मेरे को मेरी वाइफ या मेरा भाई मुझे चीट कर रहा हूँ, क्या पता मेरे माँ बाप का मेरे लिए कोई सेंटीमेंट नहीं है, क्या पता कम्युनिटी में मुझे कोई लाइक ही नहीं करता, क्या पता मैं हेल्दी नहीं हूँ। तो ये सारी स्फीयर्स में, क्या पता मेरे बच्चे मुझे अच्छा बाप नहीं समझते। तो इन चीज़ों में अगर मैं पूरा नहीं उतर रहा तो मैं सक्सेसफुल इंसान नहीं हूँ। आपको बैलेंस तरीके से सक्सेसफुल होना है लाइफ में, कि बड़ों की इज्जत करनी है, उनसे ब्लेसिंग्स लेनी है, आपको शुक्राना करना है, आपको बच्चों को भी अच्छे से ट्रीट करना है, आपको ऑपोजिट सेक्स को अच्छे से ट्रीट करना है, आपको बोली सॉफ्ट रखनी है, आप अपने सर्वेंट्स को कुत्तों की तरह ट्रीट, मैंने देखा है लोग करते हैं काफ़ी, अब मुझे अच्छा नहीं लगता वो देख के। मैंने मेरे को माइंड में आता कि यार 12-15 हज़ार रुपये में जो सारा दिन खड़े होकर उस गर्मी में खाना बना रहा है, तो
उसका दिमाग इतना ही डेवलप्ड होगा ना कि वो ऐसा काम कर रहा है 15,000 में, थोड़ा ज़्यादा डेवलप होगा तो 25,000 की करेगा, और डेवलप होगा तो 1,00,000 की नौकरी करेगा। तो 15-20,000 में आप मान के चलो उसका इतना दिमाग डेवलप्ड है, तो उससे आप काम करा रहे हो और फिर वो काम ठीक नहीं कर रहा तो जलील कर रहे हो आप उसको। वो जब हम किसी को रखते हैं जॉब पे तो पहले ही ये माइंड में सेट होता है कि ये गलतियाँ करेगा, इसको रोज़ बोलना पड़ेगा, ये रोज़ भूलेगा, तो वो पेशेंस डेवलप करनी पड़ेगी ना लाइफ में। मुझे ना, मैं जब स्टार्टिंग में आई तो मुझे लगा था कि मैं आपको ज़रूर पूछूंगी, बिकॉज व्हेन आई वाज रिसर्चिंग ना तो मैंने देखा कि ऐसा कौन सा इंसान होता है जो कि इस ओहदे पर है, इस लेवल पर है और इतनी बड़ी इंडस्ट्री में, मतलब इनिशियली जैसे मैंने बोला नाम चलता है, और उस इंसान के खाते में कोई कंट्रोवर्सी ना हो। अब मुझे समझ आया ऐसा इसलिए होता है बिकॉज वो इंसान इतने पॉजिटिव है। अब आपके ब्रदर साथ में नहीं है, वो इनविजिबली आई कैन फील हिम, वो बैठे हैं, तो उनको भी साथ में ये क्रेडिट जाता है, बिकॉज इट्स वेरी गुड टू सी के नो कॉन्ट्रोवर्सी। मुझे पूछना था वॉट इज़ द स्ट्रैटेजी, बट नाउ आई गॉट टू नो वॉट इज़ द स्ट्रैटेजी। आई थिंक हमारा गाना जो है कन्फेशन, इट सेज अबाउट, इसमें लड़का बोल रहा है कि वो झूठे वादे कर रही है, झूठियाँ कसमां खा रही है, मैं कई आधे दिल तोड़े ना लगता है मेरी बारी है। तो ऐसा नहीं है कि हमसे गलतियाँ नहीं हुई, ऐसा नहीं होगा, हमने भी किसी का दिल तोड़ा होगा, हमने भी किसी ना किसी को कभी ना कभी हो सकता है किसी बात पर झूठ बोल दिया हो, ओवर कमिट कर दिया हो। हर तरह की गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपसे गलती हो गई, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने उस गलती से सीखा क्या और अपनी लाइफ में क्या चेंज लेकर आए, दैट विल डिसाइड व्हाट योर रेस्ट ऑफ द लाइफ इज़ गोइंग टू बी। तो हम लोग गलतियां करते हैं, होती हैं, और कोशिश ये रहती है कि किसी को हर्ट ना करें। कॉन्ट्रोवर्सी तभी होती है जब आप किसी को हर्ट करते हो या आप किसी का नुकसान कर देते हो, और हमारी इंटेंशन ही नहीं है। कभी कॉन्ट्रोवर्सी ऐसी चीज़ होती है कि कभी बिना बात की भी हो सकती है, समय सही नहीं होगा तो हो जाएगी, तो इसलिए वो बात वो नहीं होती। बात ये है कि इंटेंशन साफ हो, और जिससे आप जो कह रहे हो यार, वो जो दिल में जो बात है वही मुँह पे हो, तो वो आदमी कभी चोट नहीं खा सकता। यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, वेलकम आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हाय, वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। मैं हूँ सोनाली और आप देख रहे हैं स्टार टॉक, एंड आई एम इन अ कॉन्वर्सेशन विद मीत। वैसे आप दोनों भाइयों के लिए, आप उनके बिहाफ पे भी जवाब देंगे ऑब्वियसली, आप लोग कैसे हो जिंदगी में? आई मीन, आई यू स्पिरिचुअली कनेक्टेड? आप मेडिटेशन करते हैं? व्हाट यू डू? बिकॉज आई रियली वांट टू नो, क्योंकि हम लोगों का थोड़ा सा फील ना कुछ रिलेट करता है, बिकॉज कैमरा के सामने जब हम ऑफ द रेकॉर्ड बात कर रहे थे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स। आई नो द शो मस्ट गो ऑन, बट इट किल्स मी समटाइम्स कि यार इतना टॉक्सिक हो गया, वी लेट इट बी। तो आई गो फॉर मेडिटेशन, आई डू मेडिटेशन। व्हाट यू डू? नो, देखिए, मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में स्टडी करता हूँ, कुछ चीज़ें पढ़ता हूँ, एनालाइज करता हूँ, डिस्कशंस करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि स्पिरिचुअली हम दोनों बहुत इंक्लाइंड हैं, और वो थोड़ा नेचुरल भी होता है और थोड़ा आपके अंदर का पैशन भी होता है। तो हम सीकर्स हैं, हम सीख कर रहे हैं, हम और जानना चाहते हैं। हमें कभी नहीं लगता कि हमने इनफ सीख लिया या इनफ कर लिया है। हमको लगता है कि मेरी बेटी है, वो मुझसे कितनी बार ऐसी बात बोलती है जो मैं उसको लिबर्टी है कि बोल दे कि पापा व्हाट आर यू टॉकिंग, यू डोंट नो, यू डोंट इवन अंडरस्टैंड दिस, लेट मी टेल यू दिस। सो मैं ओके बेटा टेल मी, सो आई एम रेडी टू लिसन, टू लर्न फ्रॉम अ किड। बिकॉज कोई भी इंसान, भगवान ने ऐसा बनाया नहीं कि उसको उतना समझ में आ जाए जितना भगवान को पता है, करेक्ट है ना? तो इसका मतलब आप किसी से भी सीख सकते हो। तो सीखने की और जानने की उतनी इंटेंशन होनी चाहिए कि वो हो सकता है आपसे आ जाए, सोनाली कोई बात बोल जाए, मैं सोचता हूँ यार क्या एफर्टलेस बात बोल गई, सोनाली की बात सही थी, या हो सकता है मेरी बेटी हो। तो पहली बात तो ये है कि द इंटेंशन टू लर्न बिकम बेटर इज इम्पॉर्टेंट, एंड दैट्स अ वेरी बिग पार्ट ऑफ बींग स्पिरिचुअल। अब उसी बात ये है कि हम फेथ, दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फेथ, ठीक है? फेथ हिलता है ना तो टेंशन आती है, फेथ हिलता है ना स्ट्रेस, अपने आप अलाइन नहीं हो पाते हो, आप डिप्रेशन आएगा, आपको हर टाइप की गोलियां खानी पड़ेंगी। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, तो जब वो यहाँ से खड़ा होके उसको बोलो कूद, तो जब वो छोटा होता है ना, उसको पता नहीं होता दुनिया के बारे में, वो बिंदास कूद जाता है अपने पापा मम्मी गोदी में, हाइट से भी कूद जाएगा, वहाँ से भी कूद जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको फेथ है। ये फेथ हमारा गॉड के साथ होना चाहिए, और हमारा हरमी तो मेरा है कि अच्छा बुरा, कोई भी अच्छा बुरा के बीच में दुनिया नहीं बांट रखी हमने, सब बढ़िया ही है। क्योंकि जो बुरा टाइम आ रहा है उसमें वो लर्निंग, कोविड आया था, बुरा टाइम था ना, अब आदमी बोले साहब इतना बुरा टाइम आया, ज़िंदगी बर्बाद हो, वो टाइम आया था जब बैठ के हमने अपने अपने बारे में सोचा, अपनी लाइफ के बारे में सोचा, एंड इट चेंज आवर लाइव्स। सो हाउ इज़ इट अ बैड टाइम, राइट? सो इट्स अ पर्सपेक्टिव, यू लुक एट लाइफ
इन सर्टन वे. दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस सॉन्ग कन्फेशन, बिकॉज हम बताना चाहते हैं कर्म ऐसी चीज़ है, जैसा करोगे वैसा भरोगे. और उसमें एक शॉट भी है रजनीश दुग्गल को हमने कास्ट किया जो तीर मारते हैं, तो वो करिश्मा को लग के वापस उसको आके लगता है कि कर्मा दिखा रहा है कि जो हो रहा है वो वापस आपको लग रहा है. तो गौरव शर्मा, गौरव ने डायरेक्ट किया वीडियो, बहुत अच्छा डायरेक्ट किया. एंड आई वॉन्ट कि तारारम म्यूजिक चैनल पर ये गाना अवेलेबल है, यूट्यूब पर आप जाएँ, इसमें बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए. एक गाना भी बहुत कमाल का है, बीट और मेलोडी बहुत अच्छी है, बट वो मैसेज पर भी ज़रा ध्यान देना. अच्छा, आपसे बात करके मुझे रियलाइज़ हो रहा है, हुन जिहड़े पंजाबी मुंडे होंगे ना, आई रियली वॉन्ट टू कम एंड स्टे हेयर बिकॉज मैं चाहनी हाँ भी तुम पंजाबी गाने लैके आओ. मतलब कुछ देर आर पीपल जिनके साथ बैठ के यू फील सो गुड एंड यू वन ऑफ देम. आपके साथ बैठ के मुझे इतना रिलैक्स हो रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है हम काश घंटों बात कर पाते. और ऑब्वियसली आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन कुछ पंजाब दे विच लैके आओ. गाने दी गल कर रहे हो? बिल्कुल, सो दैट मैं तुम्हें ऑफनली मिल पावा. एनी वी हैव नाउ वी हैव अ हाउस हियर, अपना थी सेकंड बेस है का, वी विल गोइंग टू बी डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क विद अदर आर्टिस्ट एज वेल. बड़े सिंगर फ्रेंड्स ने कहते हैं यार साढ़े लिए गाना बनाओ, सो आई बी कमिंग हियर वेरी ऑफन. एंड आपके जो अपने जो व्यूअर्स हैं और आपसे मुलाकात अब होती ही रहेगी. Yes, that's what I want. अच्छा, वैसे जो कलेबोरेशन करना हो, अगर कोई किसको पंजाबी गाने तो ऑब्वियसली सुनते हो, किसके साथ कलाब करना चाहोगे, फीमेल एंड मेल? दिलजीत के साथ. I love it. We know each other very well. Okay. And what I love about him is that he's a natural. Natural hai. Yeah. Hai na? Wo natural hona aur gyanik hona bada acha acha lagta hai yaar. He owns. Kya hai na ki hum apni limitations se dar jate hain. Agar English bolni nahi aa rahi to hum dar jate hain. Kyun? Aap Spain jao, aap Italy jao, wahan kisi ko English bolni nahi aati. पर वो आप इंग्लिश बोलोगे तो वो आपको ऐसे देखेंगे कि इंग्लिश बोल रहा है. यहाँ उल्टा है, इसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती. क्यों नहीं आती यार? तो क्या हुआ? ज़रूरी नहीं है ना, लेकिन मैं तेरे से बेटर बोल सकता हूँ. बेटर बोलना ज़रूरी है कि इंग्लिश बोलना ज़रूरी है? सो दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हिम इन वॉट एवर. इट्स नॉट जस्ट दिस लैंग्वेज की मैं बात नहीं कर रहा, कि वो जैसे है ना वैसे ही इंस्टा पे भी नज़र आएगा, उसमें भी नजर आएगा, शो में भी नजर आएगा. आई थिंक he's an entertainer, he's a real entertainer. Is अभी उनकी फिल्म जो है उसके लिए हमारी उनसे बातचीत हुई और वो इतने हम्बल है, अपनी टीम के साथ भी वैसे, कैमरा के सामने भी वैसे. एंड वी वर लाइक यार इतने एफर्टलेसली वो आते हैं ना, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट. आप ध्यान देना कि जो जब किसी के पास बहुत सक्सेस होता है और बहुत सालों के लिए होता है ना, वो इंसान हमेशा हम्बल होगा, क्योंकि उसको उस यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको पता चल चुका है कि क्या है ये और ये क्यों है और कब तक है. तो मुझे लगता है और दिलजीत जो लोग सेम होते हैं ना, सेम इंटेलेक्चुअल लेवल के होते हैं, सेम सोचते हैं, तो मुझे लगता है वो होते ही फ्रेंड्स हैं वो. क्योंकि जाहिर सी बात है, अब मुझे कोई मेरी वाइब के ऑपोजिट मिले तो उसके साथ नहीं जाऊँगी. डेफिनेटली आई विल गो विद द पीपल जो जिनकी वाइब मुझसे मैच करे. तो दिलजीत की वाइब आपसे इसलिए मैच करती है बिकॉज यू लाइक हिम. आई थिंक ओह आई एम हैप्पी टू हियर दैट एंड इट्स वी हैव जस्ट नेवर डन अ सॉन्ग टुगेदर बट आई एम श्योर वी विल. Definitely, and obviously I don't have much of time, but jaate jaate koi bhi gana, whatever you feel like, main zarur sunna chahungi. Zarur. The new song which is out, I'll sing a line, aur isme message hai, aap log suniye. वो झूठे वादे कर दिए, झूठियां कसमा खा रही है, मैं कहीं आधे दिल तोड़े ने, हुन लगदा मेरी वारी है. झूठे वादे कर दिए, झूठियां कसमा खा रही है, मैं कहीं आधे दिल तोड़े ने, हुन लगदा मेरी वारी है. आई होप आज हमारी जो भी बातें हो रही हैं वो सब आपके दिलों पे असर करेंगी, क्योंकि सोनाली ने मेरे अंदर से एक आज बहुत डीप वाला पार्ट बाहर निकाल दिया स्पिरिचुअली. थैंक यू सो मच, इट वॉज सो ग्रेट कि आपने इतने दिल खोल के बातें की. तो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल आई कैन से. कॉम्प्लीमेंट तो मैं दे ही चुकी हूँ, व्हाट आई फील अबाउट यू. थैंक यू सो मच एंड आई वॉन्ट कि आप जल्दी से पंजाब में आप कुछ करें ताकि हम बहुत जल्दी जल्दी मिले. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू.